किया और कसीर तादाद में जो सियाह वादी कश्मीर की सैर पर हैं और उनमें एक खासी तादाद गुलमर्ग में भी मौजूद है और उन्हें बेसब्री से इंतज़ार था कि गुलमर्ग में कब बर्फबारा हो और हम उससे लुत्फानंदोज़ हो जाएँ। इस वक्त गुलमर्ग का ये मुकाम जहाँ पर अचानक से ही मौसम ने करवट ली और ये बर्फबारी बरसना यहाँ पर शुरू हो चुकी है। दूर दराज से कई सयाह भी यहाँ पर आए हैं और इस अचानक बर्फ़ को देखकर वो भी शजदर से रह गए हैं और हर एक इस इंतज़ार में था कि कब यहाँ पर बर्फ़ हो और वो इस बर्फबारी से लुत्फानंदोज़ हों। जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से बात करें तो जम्मू कश्मीर का मौसम काफ़ी निराला समझा जाता है और ख़ासकर जब भी हम मौसम सरमा की बात करते हैं तो मौसम सरमा अपने इस बर्फबारी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और दूर दूर से लोग सिर्फ इस बर्फबारी को देखने के लिए इस सियाहती मुकाम का रुख करते हैं। गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग अपने आप में एक वैली है, यानी कि चारों अतराफ आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे और बीच में एक वैली, और ये खूबसूरत मुकाम सियाहत के एतबार से काफ़ी अहमियत का समझा जाता है। गुलमर्ग की इन पहाड़ियों के ऊपर कई ऐसे मुकामात हैं जो दीदजना हैं, जो देखने के लायक हैं और वहाँ पर भी बजरिया गुंडोला सयाह वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से जो कुदरत के ये फितरत के ये जो नज़ारे हैं उनसे लुत्फानंदोज़ होते हैं। दैनिक सवेरा की ये बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं और ये मनाजिर आपको सियाहती मुकाम गुलमर्ग से पहुँचा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त बर्फबारी शुरू हो चुकी है और बर्फबारी से सयाह तो लुत्फानंदोज़ हो ही रहे हैं और साथ ही मौसम का ये शिफ्ट कई सारे लोगों के लिए मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लेकर भी आता है। मैं श्रीनगर से आई हूँ, मेरा नाम असमा है and it's wonderful, it's a good omen actually, it's onset of snowfall already season, so please come and visit here, enjoy, have fun, yeah that's it. Well, any message would you like to convey? Have fun, come enjoy, enjoy this weather. बहुत ही अच्छा लग रहा है, we are blessed. जब हम यहाँ आए तो बर्फ तो दूर दूर तक नहीं हो रही थी, but we are blessed that we got a chance कि हम देख बर्फ देखने का चांस मिल गया and that even more. मैं श्रीनगर से आई हूँ। तो क्या फिर आगे आने का फिर मौका है? जी जी, क्रिसमस पे भी और एक न्यू ईयर पे भी, और आई होप उस दिन भी बर्फ हो, आई होप उस दिन भी बर्फ हो। एनी मैसेज वुड यू लाइक टू सेंड? टू ऑल द पीपल आउट देयर, गुलमर्ग में बहुत ही अच्छी स्नो हो रही है, ठंड बिल्कुल नहीं है, बर्फ ऐसी है कि आप एक्चुअली बहुत एंजॉय करेंगे उसको, इट्स रियली ब्यूटिफुल। वक्त वक्त पर इन सारी सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे दैनिक सवेरा। यह खूबसूरत मनाजर सियाहती मुकाम गुलमर्ग के हैं जहां पर इस वक्त बर्फबारी हो रही है और कसीर तादाद में जो सियाह वादी कश्मीर की सैर पर हैं और उनमें एक खासी तादाद गुलमर्ग में भी मौजूद है और उन्हें बेसब्री से इंतज़ार था कि गुलमर्ग में कब बर्फबारा हो और हम उससे लुत्फानंदोज़ हो जाएँ। इस वक्त गुलमर्ग का ये मुकाम जहाँ पर अचानक से ही मौसम ने करवट ली और यह बर्फबारी बरसना यहाँ पर शुरू हो चुकी है। दूर दराज से कई सयाह भी यहाँ पर आए हैं और इस अचानक बर्फ को देखकर वो भी शजदर से रह गए हैं और हर एक इस इंतजार में था कि कब यहाँ पर बर्फ हो और वो इस बर्फबारी से लुत्फानंदोज़ हों। जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से बात करें तो जम्मू कश्मीर का मौसम काफी निराला समझा जाता है और खासकर जब भी हम मौसम सरमा की बात करते हैं तो मौसम सरमा अपने इस बर्फबारी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और दूर दूर से लोग सिर्फ इस बर्फबारी को देखने के लिए इस सियाहती मुकाम का रुख करते हैं। गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग अपने आप में एक वैली है, यानी कि चारों अतराफ आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे और बीच में एक वैली, और ये खूबसूरत मुकाम सियाहत के एतबार से काफ़ी अहमियत का समझा जाता है। गुलमर्ग की इन पहाड़ियों के ऊपर कई ऐसे मुकामात हैं जो दीदजना हैं, जो देखने के लायक हैं और वहाँ पर भी बजरिया गुंडोला सयाह वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से जो कुदरत के ये फितरत के ये जो नज़ारे हैं उनसे लुत्फानंदोज़ होते हैं। दैनिक सवेरा की ये बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं और ये मनाजिर आपको सियाहती मुकाम गुलमर्ग से पहुँचा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त बर्फबारी शुरू हो चुकी है और बर्फबारी से सयाह तो लुत्फानंदोज़ हो ही रहे हैं और साथ ही मौसम का ये शिफ्ट कई सारे लोगों के लिए मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लेकर भी आता है। मैं श्रीनगर से आई हूँ, मेरा नाम असमा है and it's wonderful, it's a good omen actually, it's onset of snowfall already season, so please come and visit here, enjoy, have fun, yeah that's it. Well, any message would you like to convey? Have fun, come enjoy, enjoy this weather. बहुत ही अच्छा लग रहा है, we are blessed. जब हम यहाँ आए तो बर्फ तो दूर दूर तक नहीं हो रही थी, but we are blessed that we got a chance कि हम देख बर्फ देखने का चांस मिल गया and that even more. मैं श्रीनगर से आई हूँ। तो क्या फिर आगे आने का फिर मौका है? जी जी, क्रिसमस पे भी और एक न्यू ईयर पे भी, और आई होप उस दिन भी बर्फ हो, आई होप उस दिन भी बर्फ हो।
any message would you like to send? To all the people out there, Gulmarg में बहुत ही अच्छी snow हो रही है, ठंड बिल्कुल नहीं है, बर्फ ऐसी है कि आप actually बहुत enjoy करेंगे इसको, it's really beautiful. वक्त वक्त पर इन सारी सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे, दैनिक सवेरा देखते रहिए.